तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं, इससे पहले सारा लेक्चर देख लेना। और अगर देखो, वीडियो सर्च करने में खोजने में कभी कभी क्या होती है, सर्च करने में दिक्कत होती है, तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डाल दो ना हैशटैग जेई मेंस फिजिक्स सोल्यूशन, या जब कभी भी वीडियो देखते हो तो नीचे जो हैशटैग है उसी पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करेंट आई। चलो, एक सर्कुलर लूप है और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है, हमको नहीं पता है कि कैसे फ्लो हो रहा है। तो चलो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सीधे वर्टिकली अपवार्ड बनेगी, ऐसे सेंटर ओ पर, और उसकी मैग्नीट्यूड होगी फर्स्ट केस में बी वन, कितना होती है भाई, म्यू नॉट आई टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कहता है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर पे तो निकाल ही लिए सेंटर यहाँ पे, ठीक है, ऑन ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो ये क्या था, एट सेंटर, तो एट सेंटर पर तो हमने ये निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया मेरे भाई, ये सेंटर पे। अब सेंटर से थोड़ी सी दूरी, दूसरे दूरी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये अगर ये रिंग है और सर्कुलर लूप है, रिंग है, जो भी नाम दे दो, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, और मान लेते हैं इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी टू की वैल्यू है, उस बी टू की वैल्यू का सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो। तो हम सबको पता है म्यू नॉट एन आई, ये एक्सप्रेशन सबको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स, ठीक है ना, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यहाँ एक्स की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो बी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स वन है, करंट की वैल्यू आई है, और एक्स की वैल्यू यहाँ आर की स्क्वायर है, और यहाँ बचेगा टू, और यहाँ बचेगा टू आर का स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3/2 के, तो ऊपर बचा मेरा म्यू नॉट आई, और नीचे बचा यहाँ पर, तुम देखोगे जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो टू, और टू की पावर यहाँ तुम देखोगे टू की पावर, टू यहाँ टू की टू, हाँ टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे बेसिकली ये कितना बनेगा, टू टू की पावर स्क्वायर हो गया, तो जोड़ दोगे तो यहाँ से टू टू और टू की पावर 3/2 जुड़ जाएगा, तो 3/2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 5/2, तो ये 5/2 आ जाएगा, और यहाँ से आर बच जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जब रेशियो लोगे, रेशियो हमें क्या चाहिए भाई, रेशियो, तो रेशियो अगर लोगे तो रेशियो लेने के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा मेरे भाई, रेशियो किसका किसका पूछा है, सेंटर पर बी वन अपन बी टू, तो सेंटर पर कितना था, सेंटर पर था म्यू नॉट आई टू स्मॉल आर, और यहाँ से टू की पावर 5/2, और ये आर, और डिवाइड कर दिया जाए यहाँ म्यू नॉट आई से, तो म्यू नॉट आई कट गया, और एक आर यहाँ से एक आर कट गया, और टू की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ ये 32 अंडर रूट, और ए डिवाइडेड बाई टू, वो ऐसे बड़े आराम से लिख सकता हूँ, तो ये 16 × 2 4√2, और यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो फाइनली जो है वो 2√2 इसका सोलूशन हो जाएगा। और जो है 2√2 रेशियो देखोगे तो 2√2/1, मतलब 2√2:1, दिस इज द फाइनल सोलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो 2√2/1 ये वाला सही है, बाकी जो है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि 4 ऑप्शन थे। थैंक यू, बाय बाय।